द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों ये मूवी आज की डेट में इंडिया में काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट बनी हुई है और हमारे पीएम मोदी भी इस अट्रैक्शन से अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है इस मूवी के बारे में जो आपको सुननी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पीएम मोदी का वो स्टेटमेंट आपके साथ वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर सुनिए कि उन्होंने इस मूवी के बारे में क्या कहा। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। और ऐसे समय जो